जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है, कुछ ऐसे एक कहावत है शायद, और यही आज चरितार्थ होती है भारत सरकार पे, क्योंकि उन्होंने कंगना रनौत से पंगा ले लिया है, वो पीछे ही नहीं हट रही। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जीवन में, मैं हूँ नंदिनी। महाराष्ट्र सरकार ने जब शपथ ग्रहण समारोह किया होगा ना, मुझे लगता है उन्होंने कोई सही ज्योतिषी को दिखा के मुहूर्त नहीं निकला है, और निकलवाया होगा उसने बताया नहीं होगा कि किसी लड़की से पंगा कितना भारी पड़ेगा, तुम्हें जरा संभल के करना शासन, ये तो बताया नहीं होगा शायद। या शायद उन्हें ये लग रहा है आपकी महाराष्ट्र हमारा ही है, महाराष्ट्र सरकार के जो प्रवक्ता है संजय रावत, उनके एक और मंत्री कभी कंगना रावत को गाली देते हैं, कभी उसको मुंबई में नहीं आने की धमकी देते कि तुम कैसे आते हो, मुंबई नहीं आने देते, और कभी कहते मुंबई में आएगी तेरा मुंह तोड़ देंगी। और संजय रावत ने निजता की सारी हदें क्रॉस कर दी है, अभी तो उसकी बहुत ज़्यादा, उसकी गहराई तो अभी कुछ है ही नहीं, अभी तो और बौखलाएगा। और उसने उसको हरामखोर लड़की तक बोल दिया, क्या क्या उन्होंने क्या क्या नहीं बोल दिया, उन्हें सब कुछ बोल दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमने पंगा किससे ले ली। अपनी गलतियां मानने के बजाय एक के बाद एक एक बात एक उससे पंगा ले रहे हैं, और उस पर और कुछ समझ में नहीं आया तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने कि मुंबई पुलिस को ड्रेस की जांच करेगी। उद्धव ठाकरे ने भी उस अपने मंत्री को समझाने के बजाय उल्टा उस पर ही बिना नाम ले इल्जाम लगा दिया कि यही नाम कमाते ही काम कुछ ऐसे ही उन्होंने बोला है, और फिर वो एहसान भी नहीं मानता, ऐसा कुछ उन्होंने शायद बोला है। कंगना रावत ने पाक अधिकृत कश्मीर जो बोला, उनका उनका इसके पीछे कोई उनका इंटेंशनली उन्होंने नहीं बोला, उनकी नीयत कुछ ऐसी गलत नहीं थी, उन्होंने कहा उसके जैसा ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से धमकियाँ दे रहे थे उनके मन में वो भाव आया, उन्होंने बोल दिया, वो कभी भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी उस जगह जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। जिस तरह की हरकतें इन्होंने की है महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने, जिस तरह से उसको धमकिया गाली गलौज उसको दिया, तो उन्होंने शब्द उन्होंने इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन उनकी नीयत है उनकी ऐसा कुछ बोलने का उनका इरादा नहीं था, उसकी उससे उसकी वो तुलना करें या उसको वो उसकी उसके साथ उसका तुलना करना उनका ऐसा कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं था, इतना हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह गाली गलौज ये कर रहे थे तो अनायासी उनके मन से निकला, वो उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिए जिसका इन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। और आज अब बोल रहे कि उनके यहाँ के जो गृह मंत्री हैं शायद अनिल देशमुख, उन्होंने कुछ बोला है कि कंगना अगर मुंबई आएगी तो हम उसकी ड्रग्स की जांच करवाएंगे। बीएमसी को तो लगा दिया पीछे उसके ऑफिस को तोड़वाने में, और अब मुंबई पुलिस को लगाएंगे कि उसकी ड्रग्स की जांच होगी। इनको पता नहीं हो किससे पंगा ले रहे हैं कंगना रावत, एक तो राजपूत ऊपर से महिला, दोनों की ताकत को जानते नहीं है, और सबसे बड़ी ताकत सच्चाई की, जिस सच्चाई के लिए कंगना रनौत लड़ रही है उस सच्चाई की ताकत को अगर महाराष्ट्र सरकार जानती ना, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियां जानते ना, तो इतने बड़े पंगे लेने से पहले, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से पहले सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करते। ये सारे बुजुर्ग हैं उम्र भरपूर से, और सरकार में तो बैठी हैं, जिस सरकार का काम होता है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, वही सरकार अपने नागरिकों की जान के पीछे पड़ी हुई है, तो
तो ऐसे सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे जिसका बुरा वक्त आता है सो उसको मत्ती भी बुरी आती है, उसका वो सब कुछ वो बुराई, वो स्वाभाविक रूप से हर चीज बुराई करता चला जाता है। और कंगना रनौत ड्रग्स का जो इल्जाम आप उस पर लगा रहे हो कि मुंबई पुलिस, मुंबई आके मुंबई पुलिस जो है जांच करेगी, वो राजपूत है, ऊपर से महिला है, और सबसे बड़ी चीज सच्चाई की ताकत उसके साथ है, और उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने बोला जांच कराओ, अगर सच निकलता है तो मैं मुंबई छोड़ दूंगी। तो मैं अनिल देशमुख साहब से एक बात पूछना चाहेंगे, हम दर्शक होने के नाते इनके मंत्रियों से, क्या इस तरह का कोई चैलेंज आपके अंदर स्वीकारने की ताकत है, या ऐसे ही भोगते रहते हो? जो जिस चैलेंज को उसने स्वीकारा, अगर आप लोगों की हिम्मत है तो आप भी ऐसा ही कोई चैलेंज रखो और तब कदम आगे बढ़ाना, और नहीं तो डूब के मरो। एक लड़की से पंगा ले रहे हो, वो भी उससे जो एक सच के लिए लड़ रही है। नमस्कार।